गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक सर्किट की। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाशिकी। तो देखिए, प्रकाशिकी क्या होती है। तो अब देखो, प्रकाशिकी का जो मूल वर्ड है, मूल शब्द है, वो क्या होगा? प्रकाश। तो आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दोगे कि यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आप पहले तो पूछोगे कि सर ये प्रकाश क्या होता है। तो देखो, प्रकाश की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है जो स्वयं तो अदृश्य होता है परंतु हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या हो गई कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो क्या करती है या जो क्या करता है, जो वस्तुओं को देखने में क्या होता है? सहायक होता है। आप एज्यूम करो, अगर लाइट ना होती तो क्या आप वस्तुओं को देख पाते? अगर चारों तरफ अंधकार होता तो आप वस्तुओं को देख नहीं पाते। इसलिए प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ऑप्टिक्स क्या हो गई? ऑप्टिक्स हो गई कि यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब जो हमारे सिलेबस में जो ऑप्टिक्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है रे ऑप्टिक्स और जो दूसरा पार्ट है वो है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का मतलब है कि इसमें आपको लाइट को क्या मानना है? रे मानना है, अर्थात जो प्रकाश है वो किसके रूप में गति करेगा? किरण के रूप में। और जो वेव ऑप्टिक्स होगा उसमें लाइट को आप क्या मान के स्टडी करोगे? वेव, अर्थात प्रकाश को आप क्या मानोगे? तरंग। तो आपके सिलेबस में आपको रे ऑप्टिक्स भी पढ़ना है और आपको वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स में लाइट को आप रे मानोगे अर्थात किरण मानोगे, और वेव ऑप्टिक्स में आप लाइट को क्या मानोगे? वेव मानोगे। अब इसके जो एग्जांपल है या इसमें जो आपको पढ़ना है वो है जिसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, और इसमें आप पढ़ोगे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया और ध्रुवण हो गया। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आज रे ऑप्टिक्स। तो जो हमारा पहला टॉपिक है या जो पहली ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी ब्रांच है? वो है रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं? ऑप्टिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स को, जिसको हिंदी में बोला जाता है किरण प्रकाशिकी। अब देखिए, पहला सवाल कि सर किरण क्या होती है? जो लाइट होती है वो हमेशा एक सीधे मार्ग पर गति करती है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन आपने बना दी, तो जो ये स्ट्रेट लाइन है, जो पथ है, वो क्या कहलाता है? किरण। अर्थात जो प्रकाश होता है वो सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, और जो ये पथ होता है वो क्या कहलाती है? किरण। और अगर मैं बहुत सारे किरणें एक साथ दर्शा दूं तो वो कहलाता है प्रकाश पुंज। तो किरण तो होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जिस पथ पर गमन करता है वो पथ क्या कहलाता है? किरण। और बहुत सारे किरणों का समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रकाश पुंज। अब देखिए, हमारा इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, परावर्तन क्या होता है। तो बुक में इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाती है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, अर्थात ये माध्यम क्या है? फर्स्ट, और ये माध्यम क्या है? सेकंड। अब पहला सवाल तो यही आ गया कि सर ये माध्यम क्या होता है। तो माध्यम एक मेटेरियल होता है, माध्यम एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? जो रे को या वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाता है। तो माध्यम क्या होता है? माध्यम एक सब्सटेंस होता है जो रे मान लो या वेव मान लो उनको क्या करता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाता है। तो अब देखो, आपने दो मीडियम ले लिए, जैसे मैं मान लू एग्जांपल के लिए ये एयर है और ये वाटर है, तो अलग अलग मीडियम हो गए। पहला मीडियम क्या है? एयर, और दूसरा मीडियम क्या है? वाटर। तो अब देखिए, डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाती है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो परिसीमा पर, इसको मैं बोल रहा हूं परिसीमा, परिसीमा का मतलब होता है बाउंड्री,
तो क्या डेफिनेशन है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो उस परिसीमा पर प्रकाश किरण का कुछ भाग या पूर्ण किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो जो प्रकाश की यह घटना होती है यह क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो डेफिनेशन क्या दी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो परिसीमा पर किरण का कुछ भाग या संपूर्ण किरण वापस क्या होती है? उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है? यह कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। जैसे जनरल लाइफ में आप गेंद को किसी पर्स पर फेंकते हो और वापस गेंद आपकी तरफ लौट आती है, तो ये क्या है? ये है प्रकाश का परावर्तन। और आप आसपास जो भी वस्तुएं देख पा रहे हो वो सब किसकी वजह से देख पा रहे हो? परावर्तन की वजह से। आप मुझे देख पा रहे हो, ये क्या है? परावर्तन है। आप टीवी देख पा रहे हो तो वो भी क्या है? परावर्तन है। तो अब देखिए परावर्तन के कुछ नियम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परावर्तन के नियम। इंग्लिश में इसको बोला जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम है। देखिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्या नियम है पहला? कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो देखिए ये कोई परिसीमा है, तो यहां से मान लो कोई प्रकाश की किरण आई, तो जो प्रकाश की किरण आती है उसको आप क्या बोलोगे? आपतित किरण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। तुम आई आर लिख रहा हूं। तो आपतित किरण की डेफिनेशन क्या होगी? कि वह किरण जो किसी सरफेस पर आपतित होती है आती है तो वो आपतित किरण कहलाती है। अब यही सरफेस से टकराएगी और वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी, क्योंकि यहां पढ़ क्या रहे हो? परावर्तन। परावर्तन की डेफिनेशन यही तो होती है कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आती है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये किरण वापस लौट रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रेज। तुम आरआर बोल रहा हूं। और तीसरा वर्ड इसमें क्या है? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? कि कोई भी एक ऐसी रे का जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इस साइड से भी कितने का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो अभिलंब की डेफिनेशन क्या हो गई? कि कोई भी एक ऐसी रेखा जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए वो क्या होता है? अभिलंब। तो देखो क्या बोला कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। तो ये तो आपतित किरण हो गई, ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। और ये क्या हो गई? परावर्तित किरण। तो देखो तीनों एक ही तल में स्थित है का क्या मतलब है? एक ही तल में स्थित है का मतलब, देखो आप बोर्ड ले रहे हो या इसको बुक पे बना रहे हो, तो जैसे अगर मैं मान लो कि इसको एक्स एक्सिस बोलूं और इसको वाई एक्सिस बोलूं, तो ये दो एक्सिस से मिलकर एक तल ही तो बन गया। ये कौन सा तल है? ये तल है एक्स वाई तल। तो देखो ये सभी एक ही तल में स्थित है, एक्स और वाई। तो क्या बोला कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये कौन से तल में स्थित है? अगर मैं यहां पूछूं तो ये कौन से तल में स्थित है? एक्स वाई तल में है। देखो एक्स वाई तल में ही तो आपतित किरण आ रही है, एक्स वाई में ही परावर्तित किरण जा रही है, और एक्स वाई तल में ही कौन स्थित है? अभिलंब स्थित है। ये इसका था पहला नियम। अब इसका सेकेंड लॉ देखिए कि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्या है सेकंड नियम? कि जो आपतन कोण होता है वो हमेशा किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो देखिए कि ये कोई किरण आती है तो आपतित किरण बोलोगे इसको, ये नॉर्मल हो गया और ये क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। अब देखो आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी ना उसको आप बोलोगे आपतन कोण। और आपतन कोण को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? आपतन कोण को आप रिप्रेजेंट करते हो आई से। परावर्तन कोण को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? परावर्तन कोण को आप रिप्रेजेंट करते हो आर से। तो डेफिनेशन क्या हो गई आपतन कोण की? कि जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाए, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। तो देखो ये तो रही आपतित किरण जिसको मैंने क्या कहा था? आई आर। और ये क्या है? अभिलंब। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मल। तो देखो ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है जिसको मैंने आई से रिप्रेजेंट किया है, तो आई क्या हो जाएगा? आपतन कोण। उसी प्रकार परावर्तन कोण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी?
कि वह को कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने का कोण बनाती है, वो क्या हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हो, आर से। तो यहां ये नियम यह कहता है कि कोण आई हमेशा किसके बराबर होगा, कोण आर के। ये है परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं कि मान लो कि यहां कोई किरण नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है और यहां पे मैं x लिख दूं और पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अर्थात x का मान कितना है। तो मैंने क्या कहा था, यहां देखो परावर्तन हो रहा है या अपवर्तन, अपवर्तन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। परावर्तन में मैंने क्या कहा कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परिसीमा पर किरण का कुछ भाग या पूर्ण किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है परावर्तन। तो यहां देखो आपतन कोण कितना है 30 डिग्री और आर आपको पूछा है या r बराबर यहाँ पे x है, तो x भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परावर्तन की घटना में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। इसी एग्जांपल को अगर मैं और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं, जैसे मैंने बोल दिया कि यह परावर्तन कोण है 60 डिग्री और आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या कहा था कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, परावर्तन कोण के। बताओ यहाँ परावर्तन कोण कितना है 60 डिग्री, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। तो यह है परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। आगे बढ़िए, अब देखिए हम पढ़ते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है सममित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। देखिए इनमें क्या डिफरेंस है, जो सममित परावर्तन होता है वो समतल सतह से होता है। जैसे ये मैंने कोई एक समतल सतह मान ली, इस पर मान लो कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तित, तो यह जो परावर्तन होता है वो कौन सा परावर्तन होता है, सममित परावर्तन। तो सममित परावर्तन की डेफिनेशन क्या हो गई कि जब समतल सतह से आप परावर्तन करवाओगे तो होगा क्या कि देखो ये पैरेलल रेज आ रही है और वापस भी आपको क्या मिल रही है, पैरेलल। यानी रेज जो आपतित रेज है वो भी कैसी है, पैरेलल यानी समांतर है एक दूसरे के, और जो परावर्तित रेज है वो भी देखो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो ऐसा जो परावर्तन होता है वो क्या कहलाता है, सममित परावर्तन। अर्थात किसी समतल सतह से जो परावर्तन होता है वो क्या कहलाता है, सममित। और विसरित परावर्तन क्या होता है कि जब अगर मैं कोई खुरदरी सतह ले लूं तो खुरदरी सतह से जो परावर्तन होता है वो क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन। अब देखिए यहां जो देखो रेस तो पैरेलल आ रही है, बट परावर्तन के बाद पश्चात देखो रेस पैरेलल थोड़ी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो क्या होता है, विसरित परावर्तन। तो समतल सतह से परावर्तन तो कहलाता है सममित, और किसी खुरदरी सतह से जो परावर्तन होता है वो क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन। और जो आपके सिलेबस में है वो है सममित परावर्तन, तो आपको सममित परावर्तन ही पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, परावर्तन से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स। अब देखिए पहला पॉइंट, अभी अभी मैंने क्या बताया कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण कि हमेशा जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। अर्थात कोण I इज इक्वल टू होता है कोण R। अब मैं कहूं कि कोई किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है, क्या हो रही है कि कोई किरण समतल सतह पर अभिलंबवत आपतित हो रही है, तो मुझे बताइए कि परावर्तन कोण कितना होगा। क्या बोला मैंने कि कोई किरण समतल सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो आप एक समतल सतह का निर्माण कीजिए, तो ये एक समतल सतह है, इस पर किरण क्या हो रही है, अभिलंबवत आपतित हो रही है, तो ये वो किरण है जो अभिलंबवत क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो मैं इसको बोल रहा हूं आई आर, आई आर का मतलब इंसिडेंट रेज। अब मुझे बताओ, मैंने नॉर्मल की डेफिनेशन आपको क्या पढ़ाई थी, नॉर्मल क्या होता है, तो मैंने क्या कहा था कि समतल एक ऐसी रेखा जो समतल सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो मुझे बताओ नॉर्मल भी कुछ इसी प्रकार का नहीं बनेगा,
ये भी तो नॉर्मल ही होगा, क्योंकि नॉर्मल की कंडीशन क्या है कि सतह से कितने का एंगल बनाए 90 डिग्री का। तो देखो यही तो नॉर्मल हो गया, और इसी के ऊपर क्या हो रहा है आपकी इंसिडेंट रेज आ रही है। तो मुझे बताओ आपतन कोण की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब मैंने क्या बताया था आपतन कोण की डेफिनेशन, कि वह कोण जो आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण। तो बताइए ये तो रहा आपकी आपतित किरण और यही रहा अभिलंब, तो बताओ दोनों एक ही रेखा पर स्थित है, इसका मतलब आपतन कोण का मान कितना हो गया 0 डिग्री। जब दो रेखाएं एक साथ हो, जैसे एक ये, जैसे इसको मैं x बोल दूं और इसी पर मैं अगर y को शो करूं, ये y है, तो मैं पूछूं कि बताइए x व y के मध्य का कोण कितना है, तो x व y के मध्य का कोण कितना है 0 डिग्री। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी तो देखो इंसिडेंट रेज यानी आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही रेखा पर है, इसका मतलब आपतन कोण का मान कितना हो गया 0। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस कंडीशन में परावर्तन कोण कितना हो जाएगा। भाई जितना आपतन कोण होता है, परावर्तन क्या कहता है, यहाँ परावर्तन ही तो हो रहा है, मीडियम आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में थोड़े जा रहे हो, आप इसी मीडियम की बात कर रहे हो। तो क्या बोला, परावर्तन कोण क्या होता है कि वह अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। तो अब मुझे बताओ जब 0 डिग्री पर कोई किरण आपतित होती है तो वो परावर्तित भी तो कितने पे होगी, 0 पे ही तो परावर्तित होगी। क्यों होगी, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। जैसे मैंने अभी भी आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि मान लो ये नॉर्मल है, यहाँ पे कोई किरण 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो परावर्तित किरण भी कितने का बनाएगा, 30 डिग्री का। तो यहाँ देखो आपतन कोण कितना है 0, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 0। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई किरण किसी सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है, दोनों का मान कितना होता है 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है वो हमेशा किसके साथ बनते हैं, नॉर्मल के साथ। तो जब अभिलंबवत आपतित होगी तो नॉर्मल और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहां पे 30 डिग्री का एंगल है, अब आप इसको कम करते जाओ, जैसे यहां पे आते कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो अब देखो ये आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही रेखा पर हो गए, इसका मतलब आपतन कोण का मान कितना हो गया 0, तो फिर परावर्तन कोण का मान भी कितना होना चाहिए 0। ये था पहला पॉइंट। अब देखिए सेकंड पॉइंट, अब मैंने परावर्तन की डेफिनेशन में आपको क्या बताया कि कोई प्रकाश किरण जिस माध्यम में आती है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो अब मुझे बताओ इसमें हम चार चीजें पूछी जाती है कि बताइए चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तरंग दैर्ध्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और चौथा पॉइंट होता है तीव्रता। हम इन चार के बारे में स्टडी करते हैं कि जब आप एक माध्यम से या दूसरे माध्यम में जाते हो या उसी माध्यम में रहते हो तो चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तरंग दैर्ध्य पर क्या पड़ेगा, आवृत्ति पर क्या पड़ेगा, और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो रेज इस मीडियम में आई, ये कोई मीडियम है, जैसे मान लो कि मैं एयर मान लेता हूं, तो ये कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। अब इसी में तो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसी में आपका नॉर्मल है, और इसी में जो रेज हो रही है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो इंसिडेंट भी इसी मीडियम में हो रही है, नॉर्मल भी आपका इसी मीडियम में है, और रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या है, इसी मीडियम में है। तो पहली बात की क्या चाल बदलेगी, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, चाल और तरंग दैर्ध्य केवल एक ही कंडीशन में बदलेगी, जब मीडियम चेंज हो। क्या हो, जब मीडियम चेंज हो। तो मुझे बताओ क्या परावर्तन में मीडियम बदला, क्या एयर में आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके वाटर में गई, नहीं। देखो ये रिफ्लेक्ट होकर भी किस में ही मूव कर रही है, एयर में ही मूव कर रही है, तो मीडियम नहीं बदल रहा है, तो क्या चाल बदलेगी, नहीं बदलेगी। क्या तरंग दैर्ध्य बदलेगी, नहीं बदलेगी। तो ध्यान रखना चाल और तरंग दैर्ध्य हमेशा कब बदलेगी, जब आपका मीडियम बदलता है। तो बताओ परावर्तन में मीडियम चेंज थोड़े ना हुआ, यस और नो, परावर्तन में तो मीडियम नहीं बदला, देखो एयर में रे आ रही है और वापस किस में जा रही है, एयर में ही जा रही है, तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो बताओ चाल और तरंग दैर्ध्य बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। तीसरी बात होती है आवर्ती, तो आवर्ती क्या होती है, ये हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है। तो मुझे बताओ कि सपोज दैट यहाँ कोई भी सोर्स मान लिया, जैसे सन मान लिया या कोई बल्ब मान लिया, तो यहां से लाइट रेज आई, तो मुझे बताओ जब यहां से टकराई, तो मान लो यहां पे आपने बल्ब माना था, तो यहां पे आपने क्या कोई सन थोड़ा ले लिया, भाई बल्ब यहां से जो लाइट आ रही है वही तो यहां से टकरा कर यहां पे जा रही है, बताओ क्या आपने सोर्स को चेंज किया, भाई यहां पे जो सोर्स था जैसे सन था बल्ब था,
तो क्या वो सोर्स यहाँ जो लाइट टकराने के बाद सोर्स चेंज थोड़ा हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो बताओ आवृत्ति बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। तो आवृत्ति किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। अब आप कहोगे कि सर ये सोर्स क्या होता है? भाई जो लाइट को पैदा कर रहा है, जो बना रहा है, वो क्या है? सोर्स है। तो यहाँ सन था, तो यहाँ से टकराने के पश्चात मून थोड़े ना आ गया, भाई सन ही तो रहा, यहाँ से टकरा के लाइट यहाँ गई, तो यहाँ पे कोई सोर्स तो चेंज हुआ नहीं, इसलिए बताओ आवृत्ति बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है तीव्रता, इंटेंसिटी। तो ये तो देखो चेंज हो जाएगी, जैसे सपोज दैट कि कोई रेज है वो 3 मीटर पर सेकंड से इंसिडेंट होती है, तो अब जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो क्या उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी क्या? मतलब इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये 2.99 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी बहुत डाउन हो जाएगी। तो तीव्रता आप क्या बोल दोगे कि सामान्यतः घटती है, सामान्यतः घटती है। तो आपको पूछा जाए कि बताइए जब परावर्तन की घटना घटित होती है तो चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप क्या बोलोगे कि चाल नहीं बदल रही। कोई पूछे तो क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि आप मीडियम चेंज नहीं कर रहे। दूसरी बात की तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरंग दैर्ध्य भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह भी मीडियम पे डिपेंड करता है, और जब आप मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो तो तरंग दैर्ध्य भी चेंज नहीं होगी। तीसरा पॉइंट की आवृत्ति, तो आप बोलोगे आवृत्ति भी अपरिवर्तित रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आवृत्ति सोर्स पे डिपेंड करती है और आप सोर्स चेंज नहीं कर रहे हो। चौथा है तीव्रता, तो आप बोलोगे जब इससे टक्कर होगी तो तीव्रता थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, अर्थात घट जाएगी। तो तीव्रता सामान्यतः क्या हो जाती है? घट जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर।